जी माहौल कुछ ऐसे है कि आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैल चुका है। पाकिस्तान में भी घरों में हुकूमत की तरफ से ऐलान है कि घरों में रहें और महफूज रहें। तो मैं मेरा भतीजा मुझे बार बार याद है चाचू क्रिकेट खेलनी है, इससे आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आपका कुव्वत मुदाफ़त भी सेट हो जाएगा, जो आप एक्सरसाइज नहीं करें बाहर जाके वो भी यहाँ पर हो जाएगी। तो मेरा भतीजा मेरे साथ है इस टाइम, वो मेरे संग क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। एक एक ओवर का मैच होगा, एक ओवर पे 6 बॉल होंगे और उसके बाद इसकी बारी आएगी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आज कौन मैच जीतेगा और कौन हारेगा, लेकिन इससे ये बेनिफिट होगा हमें, हमारा जो कुव्वत मुदाफ़त होगा वो कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा, हम एक्सरसाइज करेंगे। ये अब्दुल्ला साहब आप इस टाइम बॉलिंग करेंगे बैटिंग करेंगे? आप बॉलिंग नहीं बैटिंग, पहले आप बॉलिंग करेंगे बैटिंग करेंगे? बैटिंग। चलो ठीक है, बॉलिंग जी। ठीक है, आसान हो गया, मैं जीत गया। अभी 3 मैचों की सीरीज हुई है, मैच सीरीज जीत चुका, लेकिन अब्दुल्ला ने लास्ट मैच पे आके बहुत अच्छा कमबैक किया और अपना मैच जीत लिया। अभी हम नमाज के बाद आएंगे, दोबारा खेलेंगे, चलो, लेकिन हाथ धो के सेफ्टी मेजर्स के साथ। नमाज के बाद हम दोबारा वापस आ चुके हैं और अब दोबारा से मैच हम लगाने लगे हैं। एक सीरीज हो चुकी है जो कि मैं जीत चुका हूँ 2-1 से। अब दूसरी सीरीज स्टार्ट होने लगी है, अब देखते हैं वो सीरीज कौन जीतता है। देखिए, वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपके घर में अगर कोई बच्चा है, अगर वो आपको तंग कर रहा है या अगर आप चाहते हैं कि वो बाहर ना जाए, तो आप उसको घर में 5 से 10 मिनट या 15 मिनट मैक्सिमम उसके साथ क्रिकेट खेलने या कोई ऐसी गेम खेलें जिससे वो बाहर जाने से मना कर दे, क्योंकि इससे बेहतर ये होगा कि बाहर नहीं जाएगा तो बच्चों के साथ ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं होगा, जो बाहर के वायरस हैं जो गंदगी घर नहीं आएंगे, तो आपका बच्चा भी सेफ़ रहेगा, आपका आपकी फैमिली भी सेफ़ रहेगी। तो काइंडली घरों में रहें, ताकि आप घर में रहेंगे तो सेफ़ रहेंगे आप। पाकिस्तान जिंदाबाद।